जिला ऊना में लगातार अवैध खनन का मसला उठ रहा है। एक तरफ जहां पुलिस ओवरलोडेड टिपरों के चालान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सवार नदी में लगातार अवैध खनन से नियमों के साथ साथ सरकारी भूमि पर भी नंगा नाच चल रहा है। मशीनों ने बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को अपनी जद में ले लिया है, जिसके चलते कई जगह तो कई फुट गहरे खड्डे पड़ गए हैं, पर पूछने वाला कोई नहीं है। हालात ये है कि शिकायत के बावजूद भी कोई निशानदेही नहीं हुई है। स्थानीय निवासी तिलकराज ने बताया, खनन हो रहा है जी सवां दे विच, ये बड़ा अवैध हो रहा है। ये सरकार दी जमीन नूं पट के सारा रेता बेचा जा रहा है, सरकार नूं चूना लगाया जा रहा है। ये सरकार नूं चाहिदा इहदी आगे पैर गई करे, सरकार दे नाल ही धोखा हो रहा है। ते बाकी जाके देख के सरकार नूं देखना चाहिदा, जाके जो भी कानून वो पटवारी है जां होर भी जिहड़े अपने सरकारी कार्यकर्ता है, उन्हें देखना चाहिदा जाके भी किन्ना खनन हो रहा है, क्या हो रहा है। लोगों ने जमीन सरकारी जमीन दे उत्ते खनन बेतहाशा हो रहे है। ये सर खनन जिहड़ा हो रहा है जेसीबी मशीनां नाल ही हो रहा है। ये जमीन जिहड़ी घट्टो घट भी 10-12 फुट डूंगी पट दित्ती गई है, तो ये कोई हाथ नाल नहीं काम हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनां दे नाल ये टिप्पर परे जा रहे रेत दे, पंजाब नूं जा रहे, कोई किते जा रहे, किते जा रहे। कि खनन सरकारी भूमि पर हो रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से सोहित के साथ राजीव बनोट की रिपोर्ट।